नमस्कार, मैं अविनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएंगे। 7 फरवरी को आखिरी चरण में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा पश्चिम से चलकर पूरब की ओर आएगी। सपा और भाजपा में भाषणों का कंपटीशन तेज हो गया है। वहीं बसपा साइलेंट वार कर रही है। अखिलेश यादव के साथ जयंत का साथ है तो ओम प्रकाश राजभर का हाथ है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अद्भुत बात है। लेकिन क्या किसान कह रहे हैं कि हम नहीं भूलेंगे? हमारे साथ हुआ विश्वासघात है। टीवी के मैटनी शो की भी अकल्पनीय बात है। टीवी के एक मैटनी शो में बताया जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं के सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए हम आपको फाइनल सर्वे दिखाने जा रहे हैं और इस फाइनल सर्वे में फलाना पार्टी जीत रही है। गजब है टीवी का शो। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। यदि बात हम करें जनपद गाजीपुर की, तो गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं सैदपुर से भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बात करें जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में टीवी के मैटनी शो का यह दावा कितना दमदार है, ये तो आप खुद विचार कीजिएगा। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जो हवा पश्चिम से चलकर पूरब की ओर आ रही है, तो पूरब में गाजीपुर जनपद के विधानसभा सीटों की चर्चा कर लेते हैं। जनपद गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, यानी मोहर लगा दिया है। सदर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर संगीता बलवंत, जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से राम नरेश कुशवाहा, मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से अलका राय, जमनिया विधानसभा क्षेत्र से सुनीता सिंह, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली पार्टी निषाद पार्टी से सुभाष पासी और जखनिया विधानसभा क्षेत्र से रामराज वनवासी। बात रही जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र की, ये सीट अभी भी संशय की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर तो मैदान में उतर गए हैं और उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी, यह देखने वाली बात है। और सैयदा शादाब फातिमा का रोल यहां पर क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चुनाव लड़ने के लिए दो तरह के सच का सामना करना पड़ता है। एक अधूरा सच, यानी विकास काम इत्यादि। दूसरा कड़वा सच, यानी जातिगत समीकरण। अधूरा सच के बारे में तो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे, आज बात करेंगे कड़वा सच की। कहा जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के फार्मूले पर गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था। एक बार फिर वही तरकीब, वही तरीका, वही फार्मूला देखने को मिल रहा है। सदर, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद और जमनिया में वही प्रत्याशी हैं जो 2017 में भी मैदान में उतरे थे और कड़ी टक्कर ली थी और चुनाव जीते भी थे जंगीपुर छोड़कर। चलिए शुरुआत करते हैं सदर विधानसभा क्षेत्र से। सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं डॉक्टर संगीता बलवंत। 2017 में वह चुनाव जीती थी 30,000 मतों के अंतर से और बन गई थी राज्य सहकारिता मंत्री। गाजीपुर की विधायक और राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने 2017 में 30,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजेश कुशवाहा से था। वहीं तीसरे नंबर पर थे बसपा के संतोष कुमार यादव। गाजीपुर सदर विधानसभा में करीब 3,60,000 मतदाता हैं, जिसमें से करीब 55,000 बिंद, करीब 50,000 यादव, करीब 36,000 मुसलमान, करीब 30,000 क्षत्रिय, करीब 28,000 ब्राह्मण, करीब 10,000 भूमिहार, करीब 10,000 कायस्थ, करीब 6,000 राजभर, करीब 14,000 चौहान, करीब 15,000 मुसहर, करीब 25,000 कुम्हार और बनिया और करीब 50,000 अन्य जातियां हैं। चूंकि डॉक्टर संगीता बलवंत बिन समाज से आती हैं, इसलिए कयास लगाए जाते हैं कि 2017 में बिन समाज ने एक तरफा डॉक्टर संगीता बलवंत का साथ दिया होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते वैश्य समाज और सवर्ण समाज ने भी डॉक्टर संगीता बलवंत का
अच्छी खासी संख्या में साथ दिया होगा। सवर्ण समाज में राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ होना भी लाजमी था, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेश कुशवाहा थे तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संतोष कुमार यादव। कयास लगाया जाता है कि 2017 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा को मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज का भरपूर सहयोग मिला होगा, लेकिन कुछ यादव समाज और कुछ मुस्लिम समाज तो बसपा में भी गया होगा, क्योंकि उस वक्त बसपा पर अंसारी परिवार का असर था और बसपा के उम्मीदवार थे संतोष कुमार यादव। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की संगीता बलवन को 92,090 मत मिले थे, सपा के राजेश कुशवाहा को 59,483 मत मिले थे, वहीं बसपा के संतोष कुमार यादव को 54,967। राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत रह रहकर विकास के तमाम दावे करती रहती हैं, लेकिन यह चुनाव विकास के साथ साथ जातिगत समीकरण पर भी आधारित है। यदि विकास की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह को भी विकास पुरुष ही कहा गया था, जब उन्होंने गाजीपुर क्षेत्र के रोजा पर ओवरब्रिज के निर्माण में भरपूर सहयोग दिया था और गाजीपुर को एक ओवरब्रिज उपहार में दिलवा दिया था। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से वैसे तो समाजवादी पार्टी ने किसी नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राधे मोहन सिंह के रूप में एक नाम काफी चर्चाओं में था कि हो सकता है समाजवादी पार्टी राधे मोहन सिंह के रूप में एक प्रत्याशी मैदान में उतार दे। जातिगत समीकरण को देखते हुए एक नाम गणेश दत्त मिश्र के रूप में भी सामने आया और कयास लगाए गए कि ब्राह्मण चेहरा होने के नाते समाजवादी पार्टी गणेश दत्त मिश्र पर अपना दाव लगा सकती है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर और आई, समाजवादी पार्टी के पुराने साथी और बसपा के टिकट पर 2002 में गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके उमाशंकर कुशवाहा ने दोबारा से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन कुशवाहा समाज से तो राजेश कुशवाहा पहले से ही समाजवादी पार्टी में है, जिन्होंने 2017 में करीब 59,000 मत पाया और दूसरे स्थान पर रहे। इधर बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार सिंह गौतम के आने की वजह से जो राजपूत मतदाता हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने नहीं लाया था। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तब जनता को आश्चर्यचकित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में राजपूत समाज के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में अन्य पार्टियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है। ऐसे में राजभर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान कर सकती है। आप यदि प्रत्याशियों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो एक नंबर अपने मोबाइल में सेव कर ले। नंबर है 0548-796-0433, यानी 0548-796-0433। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आप अपने सवालों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और फोटो भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वह सवाल यहाँ के प्रत्याशियों से पूछा जाए। आप अपने क्षेत्र के विकास कार्य को जो हमें दिखाना चाहते हैं हम कोशिश करेंगे कि उस पर रिसर्च करके उन बातों को हम अपने एपिसोड में प्रकाशित करें। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।